बाहर बात कर रही है, गार्जियन तो दाखिल नहीं कर रहे हैं। हम लोग हिंसा तो नहीं कर रहे, वायलेंस तो कोई नहीं कर रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और आपके साथ मैं अमन कुमार। सीबीएसई के 10वें का रिजल्ट आया था, उसके बाद हंगामा काफी तेज हो गया। आपको बता दूं कि टी राजा हाई स्कूल के बाहर मेरी मौजूदगी और यहां पे काफी तादाद में पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से रिजल्ट जो हमें प्रकाशित किया गया उसमें काफी ज्यादा गड़बड़ी की गई है और जो बच्चे जिनका पढ़ने में काफी अच्छे हैं, जिनका रिजल्ट प्री बोर्ड में 90 के आसपास आया, उन्हें कम मार्क्स दिया गया है और उसको लेके टी राजा स्कूल में काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि टाउन डीएसपी भी पहुंच चुके हैं क्योंकि पेरेंट्स लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे स्कूल के खिलाफ। कई पेरेंट्स से मैम आप भी आई हैं, क्यों आई हैं मैम ये पता है? क्योंकि बच्चा लोग का 50% आईसी पास कर दिया गया है। 50% में क्या होगा, कहाँ एडमिशन होगा, मतलब एवरेज कर दिया गया है। हाँ। स्टूडेंट आप यहाँ की, क्या हुआ, क्या समस्या? हम लोग को एवरेज से भी कम, मतलब जो लड़की हम लोग के स्कूल में टॉप करती थी, जो 99-98 लाती थी, उसको 50% दिया गया है। ऐसे ही मतलब हम लोग बहुत कम मार्क्स दिया गया, वैसा मार्क्स दिया गया कि हम लोग कभी मतलब कोई किसी दूसरे स्कूल में भी जाकर हम अपना स्कूल में एडमिशन लेने में काफी बहुत प्रॉब्लम होगा। और बैक बेंचेस जो एकदम पढ़ने में नहीं है उन्हें दिया गया 75-65 ऐसा किया, मतलब जो मन में आया वो मार्क्स दे दिया गया। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं हुआ? नहीं नहीं, कह रहे हैं जो बच्चा हम लोग का बच्चा 1 से 10 के रैंक में रहने वाला बच्चा, उस बच्चे को 54-53% दिया गया किस एंगल से, जबकि 90-95% के बीच। लेकिन ये तो बोर्ड रिजल्ट जारी करता है ना, स्कूल में इसके लिए कोई स्कूल प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार? हम स्कूल बच्चे को पढ़ा रहे हैं टाउन स्कूल में, आप किस स्कूल से फॉर्म भरवाए हैं, देहात गाँव से जहाँ का नाम भी हम नहीं जानते हैं, ये सरासर स्कूल का गलती है कि नहीं? ये एप्लीकेशन नहीं है? नहीं, एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेटेड नहीं है। आपका भी वही प्रॉब्लम है? हाँ वही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। इन लोग तो बच्चे का प्री टेस्ट जो लिया है उसका भी ये लोग नंबर नहीं दिए, कॉपी चेक नहीं किए, उस बेसिस पे नंबर मिलना चाहिए ना सबको, वो भी नहीं मिला है कुछ नहीं। जो प्री टेस्ट जो हुआ था वो कॉपी भी नहीं, नहीं उसका भी नंबर नहीं आया। हम लोग के प्री बोर्ड में, हम लोग के प्री बोर्ड में ऐसा नंबर आया और मेन बोर्ड में एकदम डी ई भर दिया गया 30-20-90, ये तो गलत है। अगर हम लोग कोई भी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेने चाहें तो हम लोग को नहीं देगा, और पता नहीं कौन से देहात से हम लोग का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया और स्कूल बोला कि हम लोग को बहुत अच्छी जगह से रजिस्ट्रेशन करा, आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था किस जगह से, कुछ भी नहीं हम लोग को बताया गया था और जैसे तैसे कर दिया गया था। हम लोग के क्लास के टॉपर आयुषी आनंद उसको 50% दिया, मतलब टॉपर को कम मार्क्स मिला, जिनका मार्क्स कम होना चाहिए उनको बेहतर मार्क्स मिला, ये उनको भी अच्छा नहीं है, सबको 40-60 में डाल दिया, पीरियोडिक एग्जाम वगैरह भी नहीं दिया है उसको, नंबर अच्छी आई है, जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उनको नंबर नहीं मिली है, तो ये कहां कैसे आप नंबर दिया है? प्री बोर्ड भी ऑनलाइन भी हुआ, ऑनलाइन हुआ, प्री बोर्ड ऑनलाइन नहीं ले सकते क्योंकि अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हुआ है, जो हम लोग जो ऑफलाइन है हम लोग वो पढ़ के आए, हम लोग जितना लर्न किया हम लोग उतना लिखे, लेकिन जो ऑनलाइन आप तो उस पर नजर नहीं रख रहे, वो तो पूरा कॉपी खोल कर आप लिख सकते हैं, आप देख नहीं ना रहे, तो ये बहुत गलत किया। और इवन हम लोग को तो इतना भी नहीं पाया, सीएससी की तरफ से एक नोट आया था कि मंथ का फी कम किया जाएगा एंड एडमिशन चार्ज नहीं लिया था, यहाँ हम लोग से वो भी लिया गया। प्रिंसिपल से मुलाकात हुआ था आपको? सब वो कुछ बोल रहे थे हमें कोई फायदा नहीं, अभी नहीं हुआ, इस चीज के लिए बोला था, इस बारे में उस वक्त भी बोला था, लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई यहाँ नहीं होती है, सिर्फ अपनी मर्जी यहाँ पे चलती है। प्रिंसिपल से आज मुलाकात हुई है? नहीं आज नहीं है, बोल रहे हैं यहाँ 9 बजे से, लेकिन वो प्रिंसिपल देखने तक नहीं आ रही है बाहर, और यहाँ फोर्स पे फोर्स बुला के हम लोग को पता नहीं क्या करवाएगी नहीं करवाएगी। सवाल वही है, जिस तरीके से रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है क्योंकि कोविड को चलने के एग्जाम नहीं हुए थे ऑफलाइन, उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित किया था और जो 9th और 8th के जो स्टूडेंट्स के रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देना था। हालांकि इनका कहना है कि अगर प्री बोर्ड में 90 मार्क्स है तो हमारा 50 मार्क्स जब फाइनल एग्जाम होता है तो उसमें क्यों
सवाल यही है कि अगर बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़ अच्छा उनका रिजल्ट आ रहा है, तो उनका बेहतरी के लिए जब 10th बोर्ड का फाइनल रिजल्ट आना चाहिए तो उस समय भी उनका रिजल्ट उसी अकॉर्डिंग आना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि हम काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, और अगर एवरेज रिजल्ट आ जाए सभी के अकॉर्डिंग हमारा भी रिजल्ट आ जाए तो ये तो सही नहीं है। और ये टीला झा हाई स्कूल है, तस्वीरों में देख सकते हैं, और टाउन डीएसपी भी यहाँ पहुंच चुके हैं और जो चीजें हैं उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो इनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी ज्यादा काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये अपने बच्चे के भविष्य के लिए आए हैं और ऐसे में स्कूल प्रबंधन मिलने को भी तैयार नहीं है पेरेंट्स से। देख सकते हैं इनका कहना भी है कि बात तक नहीं कर रहे हैं, और एक तरफ पुलिस को बुला लिया गया है, इन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि पेरेंट्स जा नहीं रहे क्योंकि इनका कहना है कि हमारे बच्चे के भविष्य की बात है, आगे कैसे एडमिशन लेंगे अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अब देखने वाली बात है कि क्या इनके रिजल्ट में सुधार होता है या नहीं। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देते रहिए, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।